स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और आज है 1 अक्टूबर 2023 और अभी बजने वाले हैं सुबह के 11। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड में, सल्ट अल्मोड़ा से अपने गांव में। और जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि पितृपक्ष जो है प्रारंभ हो चुका है, तो आज नानू का भी तिथि श्राद्ध है। तो आज मम्मी जो है यहाँ पे खाना बनाएंगी। वैसे तो श्राद्ध फरीदाबाद में दे रहे हैं मामा लोग, पर यहाँ पे जो हमारे फैमिली के जो ब्राह्मण हैं उनको यहाँ पे खाना खिलाती है नानी। तो नानी को फीवर आ रखा है थोड़ा सा, तो मम्मी खाना बनाएंगी और मैंने सफाई करनी है पूरे घर की। घर की तो सफाई हो चुकी है, अब जो थर्ड है आंगन बोलते हैं जिसको हिंदी में, उसकी सफाई करनी बाकी है। तो पहले ये सब कर लेते हैं, फिर नहा धो के खाना बनाने के अरेंजमेंट और पूजा के अरेंजमेंट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी चलते हैं और काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम है। थर्ड तो पूरा साफ हो चुका है जैसे तैसे करके। अब जहाँ पर भैंस को हम बांधते हैं सुबह शाम, वहां पे जाते हैं, वहां पे सफाई करते हैं। स्वेटिंग इतनी ज्यादा हो गई है, मैं क्या बताऊँ आपको। बच चुके हैं दोपहर के और अभी हम बना रहे हैं रायता। मम्मी पीछे से खाना बना रही है, मैं यहाँ पे रायता बना रहा हूँ। और ये ककड़ी है, इसको पहले हम छील लेंगे, उसके बाद इसको कद्दूकस करके और इसके अंदर का जो पल्प है उसको बाहर निकाल के फिर इसको रायता बनाएंगे इसका। मम्मी बनाने लगी हुई है रोटी। सब्जी किसकी बनी है यहाँ? पनीर की सब्जी बनाई है और रहता है और मीठे में है म्यूसली। तो अभी खाने की तैयारी करते हैं।
पर बाड़े में जो करेले बो रखे थे नानी ने, उसकी जितनी भी बड़ी बेल थी उसपे इतने सारे सारे करेले हो रखे हैं। तो अभी इन करेलों को तोड़ते हैं। अब मम्मी यहाँ से तोड़ रही लेंटर में ऊपर आके, और मैं यहाँ से तोड़ रहा हूँ करेले नीचे नीचे की तरफ कुछ, जहाँ पे मेरा हाथ पहुंच रहा है, फिर वहां वहां पे एक सबसे बड़ा करेला मेरे को अभी तक यही मिला है। ये मतलब तो मेरे को यही लग रहा है सबसे बड़ा। शाम के बज रहे हैं 5 और अभी हम आ रखे हैं खटू में। खटू जो है जेठुन, तो आपने देखा ही होगा जो गेट है गांव वाला, जहाँ से हिनौले से आते हुए जो गेट पड़ता है उसके नीचे जो खेत होते हैं उनको जेठुन बोलते हैं, और उसके बाद जो खेत आते हैं उनको बोलते हैं खटू। तो अभी हम खटू में आ रखे हैं घास लेने के लिए, और वहाँ पे मम्मी घास काटने पर लगी हुई है। मेरा काम बस यहाँ से घास को सर पर रख के ले जाना है, और यहाँ से बहुत ही अच्छी सीनिक ब्यूटी आ रही है। अभी हम जब घास लेने आ रहे थे मेरा पाँव फिसल गया, तो मैं इसलिए भी बैठा हुआ हूँ, नहीं तो मैं ऐसे अभी तक तो मैं घूम रहा होता खेत में। तो जल्दी जल्दी घास को लेके जाते हैं घर पे। मम्मी ने यहाँ पर जो है घास के बंच बांध दिए हैं, एक मेरे लिए और एक अपने लिए वहाँ पे, और इसको पहाड़ी भाषा में कहते हैं गढ़ो। तो अभी हम इसको ले जाएंगे, और अंधेरा भी बस होने ही वाला है, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं बहुत ज्यादा। तो जल्दी जल्दी घर चलते हैं।